पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस
व्रतस्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से पूज्य सद्गुरु श्री क्षमा देव जी की कृपा से हिंदुस्तान की तीर्थ भूमि बिहार प्रदेश भाग्यशाली जिला भागलपुर गोनू धाम गांव की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन संपन्न हो रहा है। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा धर्मस्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। जिस पावन धरा पर सत्संग होने जा रहा है मैंने श्रीमती द्रौपदी बाई से पूछा कि आपने ये सत्संग की तारीख कैसे लिया है, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको टीवी में देखती थी तो मेरे मन में श्रद्धा जागृत हो गई कि ये संत जी को अपने गांव में बुलाऊं। मैं साक्षात आपको नहीं मिली परंतु पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया, मोबाइल से ही आपकी प्रवचन की तारीख मिल गई और मोबाइल से उनकी मुझसे भी बात हो गई और मुझे उनका नाम भी याद हो गया। पहली बार जब कल रात में यहाँ उनको देखा मैंने तो उनके अंदर मुझे माता शिवरी का दर्शन हुआ, मीराबाई का दर्शन हुआ, उनके पुत्र राजेश, राजेश की पत्नी विनीता देवी, राजेश के मौसेरे भाई, गांव के गणमान्य वरिष्ठ गण, नवयुवक मंडल, सूक्ष्म और स्थूल दृष्टि से सभी का योगदान है। शोभा यात्रा आज प्रारंभ हुई जिसमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग होंगे। गोनू धाम से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। गोनू धाम में शंकर भगवान का दर्शन करके वहाँ के पुजारी सोनू झा, पुजारी का नाम सोनू है, धाम का नाम गोनू, पुजारी का नाम सोनू, गोनू सोनू सोनू झा से भी मैं मिला, बहुत अच्छा लगा। अगर श्री सोनू झा यहाँ आए हों तो खड़े हो जाएं, अभी नहीं आए हैं, उन्होंने वादा किया था मैं जरूर आऊँगा। समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार प्रदेश में कबीर मठ
संत मत, आशुतोष महाराज का मत और अनेक साधु संतों की संप्रदाय शाकाहारी व्यसन मुक्त जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं। समस्त मतावलंबियों को, समस्त धर्मावलंबियों को, किसी भी गुरु के शिष्य हों उनको सबको व्यास गादी धन्यवाद देती है। जो दारू पीते हों और यहाँ आ चुके हैं उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है कि यहाँ से जाने के बाद अब दारू मत पीना, तुम भी आज भक्त बन गए हो। प्रदीप कुमार जी मुखिया हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। श्री हितलाल जी को भी धन्यवाद देते हैं। कह रहे थे चुनाव लड़ता हूँ हार जाता हूँ, कुछ आप भी ताकत लगाओ जीत जाऊँ। मैंने कहा मैं भी लगा दूँगा। भागलपुर के पुलिस जवानों को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। मध्य प्रदेश भोपाल की सब इंस्पेक्टर श्री अर्जुन सिंह रोवंशी को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। महाराष्ट्र नागपुर के भक्त श्री कुंडरीक उर्फ विनम्र जी, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। महासमुंद छत्तीसगढ़ से श्री गणेश जी, इनके लिए व्यास गादी शुभकामना करती है। और पड़ोस में जिनका घर है पीछे खड़े हो, नाम बताओ। विष्णु कुमार जी, विष्णु आ गए ब्रह्मा गायब, शंकर जी गोनुधानम बैठे, विष्णु यहाँ बैठे, ब्रह्मा न जाने कहाँ चक्कर काट रहे। ममलखा कबीर आश्रम से वहाँ के विकासशील संत श्री अरविंद प्रकाश साहब जी खड़े हो, एक माला दे दें, अरविंद साहब को पहना दूं। ममलखा में कबीर बीजक मंदिर आपने 3-4 मंजिल ऊंचा खड़ा किया है और वह मंदिर देखने योग्य होगा। यदि ये गोनू धाम है तो ममलखा बीजक मंदिर का धाम है, वो भी देखने योग्य है, कभी आना। बहुत प्रेम है, अभी भजन गा रहे थे, मेरा तेरा प्यार कभी न बदले, फिर ये भी गा रहे थे सूरज बदले चंदा बदले, तो मैंने कहा कमाल है, सूरज को भी मत बदलने दो, नहीं अंधेरा हो जाएगा। फिर दूसरी कड़ी गाए कि तन बदले और मन बदले पर मेरा तेरा प्यार कभी न बदले, तो फिर मुझे संकट हो गया कि अगर मन बदल गया तो प्यार किसी रुक पाएगा, वो भी बदल जाएगा, तो मन की भी मत बदलने दो। लेकिन कहते हैं भक्ति में तर्क का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए मैं अपना तर्क वापस ले लेता हूँ, वो जो गा रहे हैं वही ठीक है साहिब बंद की। अप्रैल में जहाँ प्रोग्राम है, सुबोध साहब वहाँ के संत महंत आए हुए, आइए उनको भी एक माला पहना, क्रमश माला पहनो सर, इनको भी एक माला पहनाता हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर पर मेरा ही प्रोग्राम आपने रखा है, आप देखिए उनकी मेहनत, देखिए उनका भाव और सोचिए उनके बारे में कितना प्रेम है।
आज मैं उनको रूबरू पहली बार ठीक से देखा हूँ, न जाने कैसे प्रोग्राम ले लिया, ये भी पूछने का टाइम नहीं। अरविंद साहब के थ्रू प्रोग्राम ले लिया है, हम साइड में रह गए, थ्रू अलग हो गया। ये सुबोध साहब को भी माला के द्वारा सम्मान है, बैठिए। और हमारे पहन के बैठो। राकेश रंजन जी ममलखा के मंच संचालक बहुत अच्छा बोलते हैं, वे कह रहे थे साथ छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ भजन बोल रहे थे, वे छोड़ेंगे नहीं तो मैं छोड़ाऊंगा नहीं, छोड़ के भाग जाएंगे तो मैं फिर पकड़ के लाऊंगा नहीं। शाही बंदगी। अब मुझे इजाजत दो कि मैं शुभारंभ करूं। द्रौपदी बाई से मैं कहूंगा, कहाँ है द्रौपदी? द्रौपदी चलो कोई बात नहीं, घर में समाटा दाल भात संभाल रही है, बहुत सामान है, बहुत भोजन बनाया जा रहा है, सब मेहमान है, संभालना पड़ता है। लेकिन वास्तव में वो महान महिला है। धन तो बहुत लोगों के पास होता है और धन सभी लोगों का खर्च भी होता है, ऐसा नहीं है खर्च ना हो। किसी का धन झगड़ा लड़ाई कोर्ट कचहरी में खर्च होता है, वकीलों में खर्च होता है, किसी का धन मांस मछली अंडा शराब में खर्च होता है, किसी का धन जुआ ताश में खर्च होता है, और किसी का धन चोर ले जाते हैं वो खर्च करते हैं, किसी का धन लुटेरे डाकू ले जाते, ठग ले जाते, वो खर्च करते हैं। लेकिन धन कमाना उसका धन्य होता है जिसका धन धर्म में खर्च होता है, जन जन के कल्याण में खर्च होता है, गौ सेवा, साधु सेवा, देश सेवा में खर्च होता है। उसी श्रृंखला में नाम द्रौपदी बाई का आता है, उसी श्रृंखला में नाम तिलकपुर से पधारे हुए विनोद यादव का आता है। खड़े हुए उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए 10 गज भूमि खरीदने के लिए 5100 रुपये आज पति पत्नी ने नगद यहाँ दान दिया है कि हमारे बिहार का भी नाम उज्जैन आश्रम में रहे। 10 गज भूमि में 10 लोग बैठेंगे, 5 लोग सोएंगे। उन्होंने अपने परिवार के बैठने सोने का प्रबंध कर लिया है, तुम लोग अपना अपना जानो, बैठो चाहे ना बैठो। सबको उज्जैन आश्रम में अपने अपने नाम से थोड़ा जमीन भी खरीदना चाहिए। बैठिए, आशीर्वाद है। और हमारे कुछ पटना के भक्त आए हुए, खड़े हो जाएं पटना वाले। कितने लोग हैं पटना के? ये पटना से पधारे, इनको भी आशीर्वाद दिया जाता है। कुछ भक्त ये पटना वाले हैं, उनकी चाची आई है, वो पटना से गुरु मंत्र भी ले लिया। तुम भी खड़े हो, कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी से आए हैं, देखो इनकी श्रद्धा, सीतामढ़ी। ठीक। और कुछ भक्त, एक परिवार और आया था कहीं से, खड़े हो। हाँ खड़े हो, ये परिवार है। और कहाँ धर्मपत्नी तुम्हारी? ढूंढो उसको, भीड़ में निकालो। किधर? इधर उधर किधर खड़ी हो जा। ये देखो कहाँ से आया, समस्तीपुर से आए हुए। यहाँ श्रोता उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए हैं, झारखंड से भी आए हुए हैं, समस्तीपुर, पटना, सीतामढ़ी से भी आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से श्रोता आए हैं। ये गोनू धाम वासियों नर नारियों का सौभाग्य है जो विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न जिलों के श्रोता आकर के यहाँ अपने अपने कदम रख रहे हैं और आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। बैठो विराजो। साहिब महाराष्ट्र से भी आए, भूल गया था मैं, श्रोता देखिए क्या है।
आशुतोष महाराज के शिष्यों को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। कबीर को मानने वाले, संत मेहीदास महाराज को मानने वाले, किसी भी गुरुओं को मानने वाले भक्तों को हम शुभकामना करते हैं। और प्रवचन सुनने के लिए अब एकदम सीधे बैठ जाइए, मोबाइल बंद कर लीजिए, बच्चों को कंट्रोल कर लीजिए, पुलिस जवानों को धन्यवाद दीजिए, नींद मत लीजिए, हंसी आए तो हंस दीजिए, ताली बजे तो बजा दीजिए, और रोने का मन हो तो चुपके चुपके रो लीजिए। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में ये माया मोह इतना विकट है, शिक्षित अशिक्षित, नर हो या नारी, पढ़ा लिखा हो या न पढ़, धनवान हो या निर्धन, ये माया मोह सभी को प्रभावित करता है। बचपन, अज्ञान अवस्था धीरे धीरे गुजर जाती है, लेकिन ज्यों ही जवानी में इंसान एंट्री करता है त्यों ही माया मोह से प्रभावित होने लगता है। और जब तुम माया मोह से प्रभावित होने लगते हो तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ने लग जाती है। माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न काहो बिचारा। कबीर साहब कहते हैं इस संसार में माया मोह बहुत कठिन है, इसको छोड़ना भी कठिन है, इससे छूटना भी कठिन है, इससे दूर होना भी कठिन है, और एक बार छोड़ दो तो दोबारा फिर ये पकड़ लेता है। कितने लोग माया मोह छोड़कर साधु बन गए, दो चार साल बाद फिर लौट आए, फिर ढूंढ रहे हैं पत्नी, ढूंढ रहे हैं रमीला देवी को, कहाँ मिलेगी पत्नी, छोड़ के चले गए थे, फिर माया मोह मन में आ गया। कितने नेता सब छोड़कर राजनीति करने जाते हैं कि देश की सेवा करूँगा, माया मोह से ग्रसित हो गए, देश को ही लूट लेते। गए थे देश की सेवा करने, पूरे देश को चूस लिया, रक्षक ही भक्षक बन गए, माया मोह में फंस गए। कितने लोग सत्संग सुनने आते हैं कि सत्संग सुन लो कुछ माया मोह कम हो जाए, यहां आकर के आरती की थाल से रुपया चुरा लेते हैं, फिर माया माया मोह में फंस गए। सत्संग में आए थे कुछ पाप कट जाएंगे, जब गुरु जी के पास आने का अवसर मिला कि व्यास गादी पर आइए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, तो लाइन में लग गए, किसी महिला की चेन खींच लिया, चेन चुरा लिया, माया मोह में फंस गए। महिला गुरु जी के दर्शन करके 100-200 दान करके जब लौट कर नीचे गई, गला देखा तो खाली है, चेन गायब है, महिला बेचैन हो गई, रोती हुई मेरे पास आई कि गुरुदेव कोई चेन ले गया। कितनी वजन थी, बोली 5 तोला की थी। तो हमने कहा बेटी अब संतोष करो, बोले संतोष तो होता नहीं है, सब कलेजा कट गया, चेन कट गई। वो रो रही है और चुट्टा चेन ले गया, चुट्टी महिला दूसरी थी वो चेन ले गई।
इसलिए व्यास गादी पर जब आओ तो एक दूसरे को छो मत, धक्का मत मारो। दोनों साइड से रास्ता है आने के लिए। प्रणाम करो, ढकेला ढकेली मत करो। जो भी दान पुण्य करना दान पुण्य करो, लेकिन अपने परिवार के साथ आओ। पति पत्नी, माँ बेटा, अपना परिवार साथ में होगा तो कोई ना कोई की नज़र पड़ जाएगी कि हमारी वाइफ की चैन खींच रहा है, तो कम से कम उसका हाथ तो खींच ही लो। तुम लोग फैमिली सहित प्रणाम करो। स्त्रियां भी इधर से आ सकती, पुरुष भी इधर से आ सकते, दोनों मिक्स आ सकते हैं, अपनी अपनी सुरक्षा के साथ देख रेख करते हुए। सत्संग सुनने आए थे, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। यहाँ माया मोह का प्रभाव फैल गया, कुछ माया मोह कट भी गया, कुछ बढ़ भी गया। देखा किसी के अच्छे चप्पल हैं, पहन कर चले गए, माया मोह में फंस गए। चोरी करना ही माया के प्रति मोह है, लोभ करना ये माया का मोह है। किसी का मोबाइल गिर गया, उसको उठा के चुपके से रख लेना, ये माया मोह है। मोबाइल माया मोह नहीं है, मोबाइल चुराना माया मोह है। ये धन माया मोह नहीं है, धन को चुराना, धन के लिए झूठ बोलना, धन के लिए बेईमानी करना, धन के लिए छल कपट करना, ये माया मोह है। धन से तो सत्संग भी होता है। आप देख रहे हैं इतना सुंदर मंडप लगा हुआ है, ये धन से ही तो लगा है। इतनी सुंदर व्यास गादी माइक लगी हुई है, ये धन से ही तो लगी हुई है। इतना सुंदर बिछावन बिछा है, इतना सुंदर वीडियो कैमरे चल रहे हैं, ये धन से ही तो लगे। धन के बिना तो जहर भी नहीं मिलता है, अमृत तो छोड़ो, तो ये अमृत वाणी ये फोकट में कैसे मिलेगी? बैठने के लिए इंतजाम तो करना पड़ेगा, और इंतजाम कोई करो वो सब धन से ही होता है। इंतजाम भोजन भंडारा संतों का बन रहा है, उसमें भी धन लगा है। 6,000 की सब्जी आई है, 2,000 की दाल आई है, 5,000 का चावल आया है, 6,000 का आटा आया है, 2,000-4,000 का मिर्च मसाला आया है, और दूध घी शक्कर उसका हिसाब ही मत जोड़ो, चाहे जितना लगे चक्कर। तो ये सब धन से ही तो आता है। धन माया नहीं है, धन का अभिमान माया मोह है, धन का लालच माया मोह है। धन के लिए जो कपट अंदर आता है वो माया मोह। आरती की थाल का दर्शन तुम कर रहे हो, ऐसे करके मस्तक पे लगाया, 10-50-100 रुपये आरती की थाल में समर्पित किया, वो पैसे गौशाला में गायों की सेवा के लिए चले गए। हमारे आश्रम पर लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायों की सेवा होती है, 100 किलोमीटर से लोग छोड़ जाते हैं गाय, कोई काम की नहीं रह गई गाय तो हमारे आश्रम पर छोड़ जाते हैं, उनकी सेवा हम लोग करते हैं। उनकी सेवा के लिए आरती में और इन दान डिब्बों में जो तुम देते हो वो मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। लेकिन उस थाल से अगर कोई रुपया चुरा ले तो समझ लो पाप कटा नहीं है, पाप बढ़ गया है। गायों की सेवा का पैसा खा जाना, जब जब तुम त्याग करते हो तब तब तुम माया मोह को जीत लेते हो, और जब जब तुम लोभ करते हो तब तब तुम माया मोह के गुलाम बन जाते हो, दास बन जाते हो। इसी पैसे से जब तुम बीड़ी खरीद कर पीते हो, दारू खरीद कर पीते हो, सिगरेट खरीद कर पीते हो, पान पुड़िया तमाकू गुटखा खाते हो,
और इसी पैसे से जब तुम ऐसा वैसा खाना पीना मांस मछली अंडा मुर्गा सब खाते पीते हो तो यही माया मोह में फंस जाना है। और जब इसी पैसे से सत्संग समागम करके भंडारा करके और सभी के कल्याण के लिए गुरुदेव का प्रवचन कराते हो और सभी के अंदर का माया मोह खत्म करने का काम करते हो तो यही पैसा तुम्हें धन्य बना देता है, तुम्हारे कल्याण का रास्ता खोल देता है। इसलिए कहा जाता है कि तन मन धन अन्न से सेवा करना चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी को एक कलम दान करते हो पेन, तो उस पेन का मोह छोड़ते हो तभी दे पाते हो दूसरे को। मध्य प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, मैं ब्यास गादी से उतरा और जा रहा था, 20,000 की भीड़ थी, कोई चरण छू रहा था, कोई दक्षिणा दे रहा था, कोई साहेब बंदगी प्रणाम कर रहा था। एक महिला आती है, मैं खड़ा हूँ, मेरे आगे बैठ गई हूँ, तो संतों ने कहा हटो माता जी रास्ते में बैठी हो, गुरु जी निकलेंगे। उसने कहा आधा मिनट तसल्ली कर लो। तो हमने कहा आधा क्या, एक मिनट रुक जाओ, क्या बात क्या है, बैठी क्यों है। बैठ करके अपने पाँव की पायल निकाला और पायल निकाल कर दान कर दिया। तो हमने कहा पायल क्यों दान करती, हम तो पायल पहनते नहीं। और हमारे पत्नी पतना भी नहीं, परिवार वरिवार लफड़ा नहीं, तो पायल कौन पहनेगा। बोले सवाल पायल का नहीं। तो हमने कहा फिर किसका सवाल है। बोले आपके सत्संग से मेरे पति ने शराब छोड़ा है, तो उसने जो है मेरे लिए सोने का हार बनवाया है गुरुदेव, तो चांदी की पायल मैं इसलिए दे रही हूँ कि उज्जैन में जो तुम कुंभ मेला का भंडारा करने जा रहे हो, ये पायल बेच करके आने वाले तीर्थयात्री और भक्तों को दाल चावल सब्जी पूड़ी खिला देना। मुझे पायल नहीं चाहिए, आपने तो इन पैरों को किस राह पर चलना चाहिए वो कला सिखाई है, पायल आपको दान देते हैं। हंसते हंसते उसने दान दिया, लेकिन यदि किसी महिला की पायल पांव से गिर जाए, भूल से गिर जाए, चुपके से गिर जाए, तो पायल उसकी भी चली गई, खो गई, लेकिन वो दुखी हो जाती है। इस दूसरी महिला ने अपने हाथ से पायल निकाल कर दान किया है भंडारा के लिए, उसको भी पता है कि गुरुजी थोड़े पायल पहनेंगे भंडारा के लिए, तो उसको खुशी है। अपने हाथ से जब तुम दान करते हो तो बहुत खुशी प्राप्त होती है, और वही पैसा जब धोखे से गिर जाता है या कोई तुमको ठग लेता है तब तुम्हारे मन में बहुत दुख होता है। इसलिए पैसा तो किसी के पास हमेशा रहता नहीं है, और हमेशा आदमी भी इस दुनिया में रहता नहीं है, हमेशा किसी के पास में पद अधिकार भी नहीं रहते हैं, सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री का पद कभी मिल जाए तो पूरे बिहार प्रदेश को चमकाने की कोशिश करना, क्योंकि परमानेंट मुख्यमंत्री तुम नहीं रह सकते हो, परमानेंट भागलपुर के कलेक्टर नहीं रह सकते हो। अगर DM बनने का अवसर भागलपुर में मिल गया तो ये भागलपुर की जाम मुख्यमंत्री और कलेक्टर मिल करके ख़त्म करो, ओवर ब्रिज बनवाओ, बाईपास बनवाओ, ये 40 साल से जाम लग रही है, अकल ठिकाने आ जानी चाहिए। बिहार के लोगों को क्या समझ रखा है, इनको देना है तो काला जाम खिला दो, सफ़ेद जाम खिलाओ, ये सड़क की जाम में क्यों फंसाते हो। प्रदेश का विकास करो और धन्यभागी हो तुम, जिंदगी की रोड पर कैसे चलना चाहिए ये सत्संग ही सिखाता है। और माया मोह कठिन संसारा, इहे विचार न काहु बिचारा, माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा।
माया मोह कठिन संसारा। नशा की तरफ तुम्हारा मन यदि आकर्षित हो रहा है तो समझ लो तुम माया मोह में आकर्षित हो रहे हो। जीवन में कोई नशा मत करना तो समझो कि तुम माया मोह को जीत रहे हो। माँ के ऊपर यदि तुम्हें गुस्सा बहुत आ रही है, माँ से तुम नाराज हो रहे हो, तो ये माया मोह के तुम गुलाम बन रहे हो। माँ की गम भी खा लेना, पिता की थोड़ा गम खा लेना, बेटे बहू की भी गम खा लेना। यदि तुमको गम खाना आ गया तो समझो माया मोह को तुम जीत रहे हो। यदि सहन शक्ति आ गई तो माया मोह के ऊपर तुम उठते चले जा रहे हो। यदि बहुत क्रोध आता है, ये क्रोध ही माया मोह का रूप है और ये क्रोध भाग्य को बिगाड़ता है। क्रोध करने से राज्य और लक्ष्मी अपने हाथ से खिसक जाती है। राजनीति में भी जो ज़्यादा क्रोध करते हैं वे राज्य लक्ष्मी से वंचित रह जाते हैं। घरों में जिनको गुस्सा बहुत आती है वे लक्ष्मी विहीन हो जाते हैं। आश्रम में साधु संत बन करके जिनके अंदर क्रोध फदकता रहता है, अहंकार कूदता रहता है, वे लोग भी आश्रम के सम्माननीय पद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ना तो बड़ी जिम्मेदारियों के हकदार बनते हैं, ना तो उनका कोई आदर होता है। इसलिए अहंकार को तोड़िए, विनम्र बन जाइए। नम्रता सबको प्रिय लगती है। आपने देखा होगा आप कुत्ते से प्रेम क्यों करते हो, क्योंकि कुत्ता विनम्र होता है। आप बेटे से उतना प्रेम क्यों नहीं करते हो, क्योंकि बेटा अकड़ू होता है। आप चिड़िया से प्रेम कर लेते हो, लेकिन बहू से प्रेम इतना क्यों नहीं करते हो, क्योंकि बहू अकड़बाज है, अकड़ फक्कड़ लक्कड़। जहां जहां तुमको अकड़ दिखती है वहां वहां से तुम पीछे हटते हो, तुम्हारा मन हटता जाता है, और जहां जहां तुमको नम्रता दिखती है वहां वहां तुम जुड़ते जाते हो। यदि तुमने अपने माँ बाप से बोलना बंद कर दिया, भाई से बोलना बंद कर दिया, तो समझ लेना माया मोह का प्रभाव तुम पर ज्यादा आ चुका है। कुसंगत में बैठने लगे, गलत लोगों की संगत में घूमने लगे, ये माया मोह में तुम अंधे होते जा रहे हो। ये माया कोई ऐसी माया नहीं है जो स्त्री बनकर तुमको पकड़ ले, या कोई ऐसी माया नहीं है जो कोई चुड़ैल बनकर आकर तुमको दबा ले। ये स्त्रियां भी तो माया में फंस जाती है। अगर ये खुद माया होती तो माया माया में क्या फंसती, पानी पानी मिल गया, बराबर हो गया, बात खत्म। लेकिन नहीं, ये माताएं बहनें भी बहुत माया मोह में फंसती। जो सासू बहू लड़ती हैं, टिक 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 टिक, किच 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 किच, टिल 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 टिल, पिल 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 पिल, टक 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 टक, वो समझो माया मोह में बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। जरा सा संतोष नहीं है, ले जाने दो कोई बात नहीं, कोई अगर थोड़ा बहुत हिस्सा लेता है दे दो उसको, छुट्टी कर दो। माया मोह में इतना परेशान मत हो। पति पत्नी कितने घरों में जबरदस्त लड़ाई करते हैं। अभी जिस स्कूल में मेरा निवास है, सुबह से हम लोग वंदना पूजा पाठ भजन कर रहे थे, उसके पीछे माया पति और माया पत्नी दोनों भिड़ रही थी, किड़बिड़ किड़बिड़ दिड़बिड़ दिड़बिड़। तो मैं अपना प्रवचन सुना रहा था, उनका प्रवचन खुद सुन रहा था। हमने मन में सोचा अभी प्रवचन होगा, वहाँ सुनने के लिए नहीं आएंगे। और सुबह उठते ही उठते ब्रह्म मुहूर्त में पति पत्नी भिड़े पड़े हैं, सासू बहू भिड़ी हैं, बिल्कुल अर्जुन दुर्योधन खड़े हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म भी नहीं है, बेशर्मी हद से ज़्यादा है। ये भी नहीं देखते इतने बड़े संत आए हैं। अरे दो दिन रुक जाओ फिर भीड़ लेना, दो दिन गुरुदेव की सुन लो,
तो सोचते हैं फिर जोश कहाँ रहेगा इतना, आज ही तो जोश आया है। और ये भी सोचते हैं कम से कम गुरु जी को भी तो पता चलना चाहिए, इस मॉडल के लोग भी रहते हैं यहाँ। अपनी गरिमा का भी तो ध्यान रखो, द्वार पर मेहमान बैठे हैं, अंदर लड़ाई चल रही है। पति कहता है धीरे बोलो, पत्नी कहती है दमदारी से बोलूंगी, तो पति कहता मेहमान विदा हो जाए तब समझा दूंगा। बोले तब फायदा क्या है, मेहमान को भी तो सैंपल मिलना चाहिए कि इस घर में नालायक नंबर वन के रहते। मेहमान आया था बेटी का विवाह देखने, उसने भी देखा यहाँ तो भूत प्रेत चुड़ैल रहते हैं, निकलो इस घर से बाहर। ये घर की रोज रोज की लड़ाई आपके घर के सम्मान को खत्म कर देती है। और गम क्यों नहीं खाते हो, तो तुम कहते हो हम कितना गम खाएं, जितना है उतना गम खा लो, कितना क्या कोई उसकी तादाद है, किलो दो किलो खाने। ये कभी तुमने कहा है दूध कितना पिए, ये कभी कहा है एक गिलास मिल जाता पूरा पी लेते हो, आधा क्यों नहीं पीते, कम पियो। तब कहते हो क्या और है, हाँ और है, तो दो गिलास पी लेते हो। अब गम खाने में जितनी गम खाना उतनी खा लो, सब खा लो, कोई पेट भर जाएगा कि डाइजेशन बिगड़ जाएगा, पूरा गम खा लो। और गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिन लाए। सड़क पर इतने गड्ढे हैं, सड़क उखड़ी है, तुम जा रहे हो गाड़ी उसमें गिरती है उठकती पटकती है, गम खाते हो कि नहीं खाते हो। तुम्हारी गाड़ी में कोई टच कर देता थोड़ा गाड़ी खुरच जाती, गम खाते हो कि नहीं खाते हो। पानी बरसता है फसल डूब जाती है, फसल सड़ जाती है, गम खाते हो कि नहीं खाते हो, सहते हो कि नहीं सहते हो। खूब गर्मी होती है तपता है सूरज, खूब आग उगलता है, पसीना पसीना हो जाते हो, तो गर्मी को सहते हो कि नहीं सहते हो। जब गर्मी सह लेते हो, सर्दी सह लेते हो, बरसात सह लेते हो, नुकसान सह लेते हो, हानि सह लेते हो, हर प्रकार की प्रतिकूलता में गम खा लेते हो, सड़क के गड्ढों में भी गम खा लेते हो, और इतना सब दुनिया भर का उपद्रव हो रहा सब गम खा लेते हो, तो तुम वीर पुरुष हो, अपने माता पिता सास ससुर भाई बहन बेटे की भी थोड़ी गम खा लिया करो। गम खाने वालों की दुनिया में बहुत बड़ी इज्जत रहती है, अपना सम्मान बढ़ता है। लोभ भी एक आदत है, क्रोध भी एक आदत है। तुम दो चार बार लोभ करोगे, लोभ करने की आदत बन जाएगी, फिर लालच छूटेगा ही नहीं। दो चार बार दान करोगे, दान करने की आदत बन जाएगी, तो दान जिंदगी भर करते रहो। तुम्हारा शरीर भी आदत पकड़ता है, मन भी आदत पकड़ता है, वाणी भी आदत पकड़ती है, कर्म भी आदत पकड़ते हैं। ये सारी चीजें तो आदतों से ही है। जिनको गुस्सा करने की आदत पड़ गई, जब कोई आदमी नहीं मिलेगा गुस्सा करने के लिए तो जानवर पर गुस्सा करते हैं, जानवर नहीं मिलेगा तो घर के थाली कटोरी पर गुस्सा करते, उसी को उठाकर पटक देते। कितने लोगों को देखा गया अपनी भैंस को बहुत पीट रहे, उनसे पूछा गया इतना क्यों पीटते हो, तो बोलते हैं कि इसको चारा डाल कर गया था, चारा इसने नांद से उलस दिया है उधर। तो मैंने कहा चारा उलस दिया है तो इसका हिसाब लगा लीजिए, चारा में हरा चारा मिलाया कि नहीं। बोले केवल भूसा था। तो हमने कहा भैंस समझदार है, तुम भैंसा हो जो समझ नहीं पा रहे हो। भैंस इशारा दे रही है ये खाने योग्य नहीं है, भूसा धर दिया बेवकूफ कहीं का, इसलिए फेंक रही है, उसमें हरा चारा बरसीम काट के मिला दे, प्रेम से खा लेगी। बोले इतना मैं नहीं सोचता हूँ। तो हमने कहा तो उलस देती है, फिर लाठी से पीटते हो। ये भैंस भी हो सकता है तुम्हारी दादी माँ की आत्मा आकर के तुम्हारे द्वार पर भैंस बनकर बंधी हो, अपनी दादी माँ की इतनी पिटाई कर रहे हो, किसको मार रहे हो तुम, थोड़ा विवेक तो करो। ये आत्मा ना तो नर है ना नारी है, ना भैंस है ना भैंसा है ना बैल है, ये आत्मा
कभी पशु का शरीर धारण करती है, कभी पंछी का शरीर धारण करती है, कभी मनुष्य का शरीर धारण करती है, कभी गांव में जन्म लेती, कभी शहर में जन्म लेती, कभी गरीब के घर में जन्म लेती, कभी अमीर के घर में जन्म लेती है, और कभी विकलांग होकर ये आत्मा जन्म लेती है, और कभी ये आत्मा संपन्न होकर बुद्धिमान होकर जन्म लेती है। लेकिन जो आत्माएँ आती हैं तुम्हारे पास में, चाहे पशु के रूप में हो, पंछी के रूप में हो, या किसी रिश्ते के रूप में, नर नारी के रूप में, बच्चे बहू के रूप में हो, वह आत्माएँ सब पूर्व जन्म के तुम्हारे रिलेशन से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। उन आत्माओं को कृपया अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम में ही तुम्हारे पास में आई है, तुम्हारे घर पे आई है, पशु बनकर आई है, पंछी बनकर आई है, या कि वह आपकी बहू बनकर आई है। उनके साथ गलत व्यवहार करोगे तो मान लो कि अपने दादा दादी की आत्मा के साथ ही तुम गलत व्यवहार कर रहे हो। पशु से भी प्रेम करो। कृष्ण भगवान गायें चराते थे, गायों से भी बहुत प्रेम रखते थे, और जो प्रेम करता है ना, वो स्वयं खुश बहुत रहता है। तुम ये मत सोचो कि हमसे कोई प्रेम करे। जो लोग ये सोचते हैं कि हमसे सब प्रेम करें, वो बहुत मूर्ख होते हैं। तुम ये सोचो कि मैं सबसे प्रेम करूं, और जो सबसे प्रेम करते हैं तो सब लोग फिर उससे प्रेम करते हैं। पहले खेत में तुमको बीज बोना पड़ता है, फिर खेत तुमको 20 क्विंटल गेहूं वापस लौटाता है बीज। तुम कहो खेत पहले वापस दे दे, फिर हम खेत को देंगे, तुम जिंदगी भर बैठे रहो, खेत पहले देने आएगा ही नहीं। पहले तुमको ही खेत में डालना पड़ेगा, उसके बाद खेत तुम्हारा घर भर देगा। इसी प्रकार से पहले तुमको ही प्रेम बोना पड़ेगा, फिर प्रेम की फसल जब उगेगी तब तुमको सब तरफ से प्रेम ही प्रेम मिलेगा। इसलिए सबको प्रेम दीजिए तो आपको प्रेम मिलेगा। बहुत अच्छा, जय बोला, संकोच छोड़कर बोलो, दमदारी के साथ खड़े होकर बोलो, खड़े हो, जय बोलो, तुम डरते क्यों? आज बैठो, इतना बहुत है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत, हंसते हंसते सुनो, ताली बजाते हुए गाओ, गुनगुनाओ, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव, हरिद्वार कुंभ मेला के पर्चे बांट दो, जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय, हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, कबीर जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है, का हो जाता है, क्या गुप्त
की प्रीति है क्या गोप्त तुम्हारी। बहुत सुंदर, जय बिहार, जय भारत। क्या गोप्त तुम्हारी प्रीति है क्या गोप्त। धन्य हो माता बहन, सब माताएं बहुत खुश हैं, ताली मस्त बजाती है। धन्य तुम्हारे जय जय हो, है धन्य तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय 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 जय। ठीक, अच्छी बात है, बहुत लोग मेरा नाम ही नहीं कह पाते हैं, थोड़ा अटपटा है तो अपन जय गुरुदेव कह देते। कोई बोलता है मुझे सिंह साहेब, हमने कहा चलो कम से कम सियार तो नहीं बनाया है, सिंह बना दिए। नाम है असंग, क्या नाम है असंग, टफ है, थोड़ा हार्ड है। सत्संग कुसंग असंग, असंग का मतलब होता है आ माने आत्मा, और संग माने संग, जो अपने आत्मा के गुणों के संग में रह रहा है उसका नाम असंग है। वाह, जब जय बोलते हैं उनके ऊपर कैमरा घुमा दिया करो। कितने लोगों को समझाते समझाते थक जाओगे, दुश्मन इधर खड़े हैं और फायरिंग उधर कर रहे हैं। जय इधर बोला था कैमरा उधर घुमाओ था, ना जाने कौन बुद्धि विवेक भाई। फट से वो आदमी के यार फोटो आ जाए, क्योंकि टीवी में सब लोग सुन रहे हैं, अब मोबाइल के यूट्यूब में देख रहे हैं, तो जय की आवाज़ आती है तो लोग देखना चाहते कौन जय बोल रहा है, तो उधर घुमा दे कैमरा, इसमें कौन रुपया लगते, खाली घुमाने तो है। बाबा दया करना, भले 100 रुपया बाद में ले लेना हमसे, घुमा दो। नहीं, अच्छा आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन घुमाता उमाता नहीं, बंदूक लिए बस खड़ा रहता है, घुमा दो फट से आना चाहिए सबका। ये सब देखो टीवी स्क्रीन लगी, उसमें फोटो आ रहा है कि नहीं, बहुत सुंदर आ रहा, बहुत सुंदर है, बहुत महंगा है वो, सिस्टम ही अच्छा है। माया और मोह जब जब तुम माया मोह से पार होना चाहते हो तब तब तुमको सत्संग में आना पड़ता है। सत्संग माया मोह से पार होने के फार्मूले सिखाता है। ये सत्संग कोई छोटी चीज नहीं है। और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। जब पाप उदय होता है तो कुसंग मिलता है, जब बहुत पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता, ढेर पुण्य इकट्ठा होता है तब संत का दर्शन होता है, और कम पुण्य होगा तो संत के भेष में असंत का दर्शन होगा, और जब बिल्कुल पुण्य नहीं होगा
पापी का दर्शन ज्यादा होगा। सच्चे संत और कच्चे संत, अच्छे संत और लुच्चे संत, संत भी कई मॉडल के। अच्छे संत का दर्शन कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से होता है, इसलिए पुण्य करना चाहिए, पुण्य करते रहो। और ये भी याद रखना, जिन संतों को तुम कहते हो ये मीडियम संत है, मीडियम संतों की सेवा करते करते ही उत्तम क्लास के संत का दर्शन होता है। चिड़ियों को दाना चुंगाते चुंगाते हंस पंछी का दर्शन हो जाता है। अगर दाना चुंगाते हो तुम चिड़ियों को, तो उन्हीं चिड़ियों के झुंड में कभी हंस पंछी आकर दर्शन देता है। यदि तुम मध्यम क्लास के संतों की भी सेवा करते हो, तो मध्यम क्लास के संतों के माध्यम से धीरे 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 उत्तम क्लास के संत का भी दर्शन हो जाता है। इसलिए निंदा करना हो तो रावण की निंदा करो, लेकिन राम की निंदा ना करो। कंस की निंदा करो पर कृष्ण की निंदा ना करो। दारू की निंदा करो लेकिन दूध की निंदा ना करो। चोर की निंदा करो, दानी की निंदा ना करो। ठग की निंदा करो, भगत की निंदा मत करो। और व्यभिचारी की निंदा करो, ब्रह्मचारी की निंदा मत करो। महान संतों की निंदा मत करो, जो भ्रष्ट हैं उनकी निंदा करो। और संत कहते हैं कि जब शक्कर मिलती है तो मिठास भी मिल जाती है, शक्कर के साथ में मिठास होती है। मिठास का नाम ही शक्कर है। ऐसे जब संत मिलते हैं तो सत्संग मिल जाता है, ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान मिल जाता है, महान पुरुष मिलते हैं तो महानता मिल जाती है, क्योंकि महानता ही महान पुरुष का लक्षण है। और परस्पर का प्रेम घर का सुख है। समय पर कार्य करना चिंता मुक्त होने का उपाय है। सभी कार्यों में देर लगाना टेंशन में जीने का तरीका है। समय से पहले तैयारी कर लेना निश्चिंत रहने का उपाय है। जिस दिन से तुम्हारी बेटी जन्म ले, बेटी के नाम से आप ज़्यादा नहीं 20 रुपये रोज निकाल दीजिए, 20 रुपये। साल में कितने हो गए बोलो, हैं 20 रुपये, 7200 हो गए। तुम्हारी गणित अच्छी है, तुम हमारे साथ रहा करो, बैठो। 7200। अब बेटी का विवाह तुम करोगे, मान लिया, आजकल लोग तो 20 साल की उम्र में करते हैं, ऐसे सरकार ने तो 18 साल बताया है, पर लोग ज़्यादा होशियार है, कुछ लोग 25 साल की बेटी हो जाती तब कर देते। अब जितना विवाह लेट कर रहे हो, कब ये बच्चा पैदा करेगी, कब बच्चे को जवान करेगी, तो इसका उम्र जा रहा है। टाइम पर कर दो 18 साल में, तो बोलते हैं अभी पढ़ रही है तो विवाह के बाद भी पढ़ लेगी, जिसको पढ़ना है पढ़ती रहेगी। हम संत हो गए, हम अब भी पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ, इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से एमए किया हूँ। अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति धर्मशास्त्र की बातें सुना रहा है, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ,
स्कूल में नहीं कर रहा हूँ, डिग्री उग्री नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जहाँ रहता हूँ वहीं ग्रंथ पढ़ता रहता हूँ। विवाह में ज़्यादा देरी करने से मन चंचल होकर के गलतियाँ करना शुरू कर देता है, इसलिए माता पिता कृपया सावधान हो जाए। 16 साल की लड़की का एंगेजमेंट करो, 18 साल में फटाफट फाइनल करो, फिर अपने घर जाने दो उसको। पति पत्नी दोनों पढ़ने जाएं बहुत अच्छी बात है, साथ में पढ़े बुराई क्या है। और बेटे का विवाह भी 21 साल में कर दो, क्योंकि 13 साल की उम्र में लड़की, 14 साल की उम्र में लड़का, ये दोनों जवानी में प्रवेश कर जाते हैं, जवानी आ जाती है 13-14 में ही। 18 साल में लड़की का शरीर परिपक्व होता है, 21 साल में लड़के का शरीर परिपक्व होता है। अब परिपक्व हो गया उसके बाद 25 साल 30 साल उम्र हो रही, शादी नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा, जब पक जाता फल और फिर भी तोड़ कर ना खाओ तो फिर सड़ जाता, तो अब ये सड़ेंगे, बदबू फैलाएंगे और क्या करेंगे, तुम्हारा अपमान होगा, बेइज्जती होगी, व्यभिचार फैलेगा समाज में, फिर बोलोगे रेप हो गया, ये हो गया। रेप क्यों हुआ? क्योंकि शादी में लंबा गैप हो गया इसलिए रेप हो गया। अब तुम्हें कौन समझाए मूर्ख नारायण। तो इस समय पर करो विवाह, यदि विवाह नहीं करना है तो साधु बन जाओ, दो में से एक लाइन में रहो, बीच में टांग मत फंसाए रहो। न साधु बन रहे हो न शादी कर रहे हो तो वहाँ क्या कर रहे हो फिर तुम? तीर्थंकरों की तरह बीच में लटके हो, एक लाइन पकड़ लो। और साधु भी बनो तो शुरू से साधु बनो तो बहुत अच्छा है, जैसे मैं साधु बना, मैं 21 साल की उम्र में साधु बना, बिल्कुल परिपक्व उम्र साधु हो गया। आज मुझे 34 वर्ष हो गए साधु बने, 21 और 34 जोड़ दो कितने होते, 55 होते, 55 साल की उम्र हो गई मेरी। अब 55 में सरकार रिटायर कर देती है, लेकिन मैं रिटायरमेंट ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे सो समाज का कल्याण करना है। रिटायर होकर भी क्या करोगे? अगर खाली बैठ जाओ तो बुढ़ापा जल्दी आता है, और खाली बैठे रहो तो बीमारी खूब आती है, और खाली बैठे रहो तो शरीर बदसूरत होता है, और खाली बैठो तो क्रोध भी बहुत आएगा, और काम करते रहो तो हंसते रहो मुस्कुराते रहो, हमेशा जवान बने रहोगे, और धीरे धीरे मर जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। चुपके खाली बैठने की जरूरत क्या है, मरते दम तक काम कीजिए, और काम करते करते प्रवचन सुनते रहिए, किचन में रोटी बनाइए मोबाइल से प्रवचन सुनते रहो। आजकल छोटे छोटे साउंड सिस्टम आते हैं, उसमें कनेक्शन कर दो, बजता रहता बहुत अच्छा। मैं भी एक छोटा खरीदूंगा, मैं मोबाइल से सुनता रहूँगा प्रवचन। इस साल मैं अपना प्रवचन सुनना शुरू किया, खूब सुनता हूँ, हर समय उसी में लगा रहता हूँ मैं, मुझको भी अच्छा लगता है, क्योंकि खीर तुम बनाओ दूसरे खाएंगे उनको भी अच्छी लगेगी, तुम भी खाओगे तो भी अच्छी लगेगी। तो प्रवचन जब दूसरों को अच्छा लगता है, हम करते हैं प्रवचन तो हम भी सुनेंगे, हमको भी तो अच्छा लगेगा, और खुद भी सुनना चाहिए। रजाई सिलने वाले लोग रजाई खुद भी ओढ़ते हैं, गाड़ी बनाने वाले लोग गड़ाई गाड़ी खुद भी बैठते हैं, मकान खुद बनाते खुद रहते हैं, तो हम खुद प्रवचन सुनाएंगे, खुद सुनेंगे भी, ताकि हमारा भी कल्याण हो। अब कोई रजाई बनाता हो कह दे हम सबको रजाई ओढ़ाएंगे, हम नहीं ओढ़ेंगे तो ठंडम मर जाओगे तुम। सबको प्रवचन सुनाओ लेकिन खुद भी सुनो, तुम भी अपना परिवर्तन करो, सुधार करो, गुरु बाबा चेंज हो जाओ। हर व्यक्ति को सत्संग सुनना चाहिए, और समय को बर्बाद मत कीजिए,
लापरवाही मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, जहाँ रहो लगन से कार्य कीजिए, इंटरेस्ट से कार्य करो, रुचि से कार्य करो, जहाँ रहो चूहा बनकर मत रहो, चूहे की तरह घूम रहे लुप 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 इधर उधर कर रहे, नहीं, जहाँ रहो कुछ चमत्कार करो। साधु बनो तो आश्रम में चमत्कार करो, साधु बनो तो प्रचार प्रसार में चमत्कार करो, साधु बनो तो साधना में चमत्कार करो, साधु बनो तो तपस्या और ब्रह्मचर्य के पालन करने में चमत्कार करो, साधु बनो तो सुंदर स्वभाव बनाकर चमत्कार करो, और गृहस्थ बनो तो गृहस्थी में बिजनेस में उन्नति करो, पॉलिटिक्स में उन्नति करो, खेती बाड़ी में उन्नति करो, घर बनाओ अच्छा सा, गाड़ी भी रखो अच्छी सी, कपड़े पहनो टाप के, और सत्संग समागम भी कराओ टाप का, तब समझ लो जिंदगी सार्थक है। खुसुर फुसुर में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। माँ बाप को भी लगना चाहिए कोई शेर को जन्म दिया हूं, ये शियार नहीं पैदा हुआ। सुंदर मकान बनाकर माँ बाप को भी रखो, अच्छी गाड़ी फोर व्हीलर गाड़ी में बिठा कर उनको भागलपुर ले जाओ, बस जब देखो तो वही फटफटी लेकर चल दिए, फिट 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 साइकिल लेकर जा रहे हैं। बाप कहता हम भी बैठ लें, तो कहते इसमें कैरियर नहीं, बिठाना आता भी नहीं, ये सब क्या कर रहे हो? पान पुड़िया तंबाकू गुटखा दारू मांस मछली कुकरी मुर्गी अंडा, इनमें मत खर्च करो पैसा, नशे में मत पड़े रहो, समय बर्बाद मत करो, ताश और जुआ भी मत खेलो। अभी होली आ रही, कितने लोग जुआ खेल खेल के बर्बाद हो जाएंगे, और दूसरे से बताते घूमेंगे होली है होली है। अरे होली है ये कौन नहीं जानता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी है ये बताओ होली है, जुआ खेल रहे हो, खाम खाम गोबर फेंक रहे हो, कोयला फेंक रहे हो, होली में ये कोयला दूसरे के लगाना ये होली नहीं है, मूर्खता है। सबको रंग डाल करके उसके कपड़े खराब करना ये नहीं, रंग डालना है होली के उत्सव के उपलक्ष में, भक्ति का रंग डाल दो सबके ऊपर, सत्संग का रंग डाल दो सबके ऊपर, और डालना है तो प्रेम का रंग डाल दो, सेवा का रंग डाल दो, संतोष का रंग डाल दो, अच्छे अच्छे गुणों का रंग डाल दो, ये असली होली है। होली प्रहलाद की है, प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त था, और भक्त के नाम की होली में ये गोबर फेंकना ये अज्ञानता है, दारू पीना ये अज्ञानता है, जुआ खेलना अज्ञानता है। होली प्रहलाद की है, और प्रहलाद का मतलब है कि आपके अंदर होली के उपलक्ष में भक्ति का जन्म होना चाहिए, भक्ति का रंग फैलना चाहिए, और मांस मछली अंडा नशा शराब बुराइयों को होलिका में भस्म कर देना चाहिए, यही होली का अर्थ होता है। जय जय। हमसे एक भगत कह रहा था कभी हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो आपके साथ होली खेलूंगा। मैं तो घर भी होली फोली नहीं खेलता, फालतू बकवास, और ना मेरा कुछ देखने का मन होता, चिड़िया घर देखो, कौवा घर देखो, भैंस घर देखो, अपन घर गिरा पड़ा, दूसरे घर देखा बेवकूफ आदमी। हाँ, कितने लोग चिड़िया घर देखे जाते, अरे अपने घर की दीवार टूटी जा रही हो, चिड़िया घर में क्या बना रहे हो? पहली बात, चिड़िया को पिंजड़े में बंद करना ही पाप है, उसको खुला उड़ने दो, घूमने दो, खाम खा नाटक बनाते। अब चिड़ियाघर देखने में 100 रुपये की टिकट लेते हैं, चिड़ियाघर में कौवा देखा था, अरे ऐसे ऐसे कौवा यहाँ बहुत बैठे हैं, कौवा उड़ रहा ऊपर, क्या करना कौवा? तुम कोई कम कौवा हो? खुद को देखो कितने कौवा हो, घर में काँव काँव मचाए रहते हो, ये कोई कौवापना कम है? अब उस कौवा क्या देखने गए, तुम्हारा तो घर उभर कौवा है। नहीं देखना है फालतू चीज़ों को, नहीं सुनना है प्रपंच की बातों को, नहीं करना है वो कार्य जो फालतू हैं, कदम नहीं बढ़ाना उस राह पर जिस पे जाने की जरूरत नहीं है, सोचना नहीं है उन बातों को जिनका कोई मूल्य नहीं है। याद रखना, अपने दिमाग का, आँखों का, कानों का, हाथों का और पैरों का, सारी इंद्रियों का सदुपयोग कीजिए, फिर जिंदगी देखिए, आप ध्रुव प्रहलाद से कम नहीं हो, सिवरी और मीराबाई से कम नहीं हो, और जिंदगी में कुछ भी कम नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बुजुर्गों के पैर छू लो, बहुत आशीर्वाद मिलेगा।
बूढ़ी कमजोर गायों की सेवा करो, दुआएं मिलती हैं। संतों को वस्त्र दान करने से आशीर्वाद मिलता है, भंडारा करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। हरिद्वार तीर्थ नगरी उत्तराखंड में 14 जनवरी से 27 फरवरी तक कुंभ मेला होने जा रहा है, जहां पर गंगा के तट पर 1 फरवरी से 17 फरवरी तक आपका कैंप लगेगा, जहां 50,000 भक्तों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए डेली भंडारा चलेगा। कौन करेगा? आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे। और कौन करेगा? हम भी उसी में सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे। और इतना बड़ा भंडारा होगा, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी खीर जलेबी बूंदी और आलू बंडा, बस ये माल, और छोले, छोले चना वाले छोले, माल छको उठा के पी लो छोले, ऐसा बनेगा भंडारा। 10,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, 80,000 लोग डेली आ जाए, सबके लिए इंतजाम। रोटी बनाने वाली मशीन होगी, रोटी बनाएगी, आटा डाल दो पानी डाल दो, इधर से रोटी उठा के ले जाओ, फूली हुई रोटी। 7 लाख की मशीन रोटी बनाएगी, खाने के लिए तुमको आना पड़ेगा। सब लोगों का निमंत्रण है, 1 फरवरी से 17 फरवरी बृहद भंडारा, बृहद चाय स्टॉल, निःशुल्क चाय वितरण, बृहद प्रचार प्रसार। कल हमारे संतों ने हरिद्वार के कलेक्टर से भेंट किया, कुंभ मेला अधिकारी से भेंट किया और वहाँ के पार्षद से भेंट किया, तो वहाँ के संत लोग कह रहे थे 2 बीघे से ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। जब हमारे संतों ने भेंट किया तो आपके कैंप के लिए 25 बीघे जगह कलेक्टर ने देने का वादा किया है कि आपके गुरुजी का बड़ा सिस्टम होगा तो 25 बीघे दे दूंगा। तो हमारे संत ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने कुंभ मेला उज्जैन के लिए 76 बीघे जगह दिया था, तो बोले 25 हम भी दे देंगे, 25-30 बीघे जगह बहुत हुई, भारी भरकम पंडाल लगेगा आपके लिए, 35 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा, 500 फीट लंबा और बीच में कोई नहीं खंभा, इतना बड़ा मंडप होगा, उसी में प्रवचन सुनो, उसी में सो जाओ, और 100-200 कमरे बनेंगे आप लोगों के लिए, वो पंडाल भी वाटरप्रूफ होगा, तुम्हारे ऊपर पानी नहीं टपकेगा, सब बहकर अलग जाएगा, ऐसा नहीं रात में बिछौना खींचते घूम रहे, काम सब सही करना है। और मेला के अंदर चाय पिलाई जाएगी, ठंडी का महीना रहेगा, गाड़ी में भर के चाय जाएगी, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, गंगा किनारे लोग स्नान करके कांप रहे हैं, वहाँ चाय की दुकान, दुकान मतलब फ्री, जितना पीना पियो, और रहने के लिए फ्री व्यवस्था, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, गद्दा रजाई फ्री, बिछौना फ्री, मंडप फ्री, जगह फ्री। और ये सब कहाँ से आएगा पैसा? ये सब आप जैसे महान दानी भक्तों के पुण्य से पैसा आएगा, पुण्य से अन्न आएगा, और वहाँ पर लाखों भक्तों की सेवा होगी, तीर्थयात्रियों की। उसके लिए बिहार वासियों से मैंने निवेदन किया है कि तेल दान करें राजस्थान वाले, चावल दान करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश वाले, उत्तराखंड के लोग दूध दें, यूपी वाले चीनी दें, और महाराष्ट्र वाले
घी दे दे। अब गुजरात वाले मिर्च मसाला की व्यवस्था करें और बिहार के लोग झारखंड के लोग कुछ ना दें, कुछ ना दें, केवल गेहूं दे दें, बस पूड़ी और रोटी बिहार की लोगों को खाने को मिलनी चाहिए। बिहार का गेहूं बस, और वहां सेवा भी करना है, अपने हाथ से पूड़ी रोटी परोसना। बिहार कोई कम दानी प्रदेश नहीं है, दानवीर यहाँ एक से एक रहते हैं। हमारे भक्त श्री एक कुंटल गेहूं का संकल्प लिया है, मई महीने में गाड़ी आएगी तुम्हारे द्वार से गेहूं उठा कर ले जाएगी, मई में जब गेहूं कटेगा आपका। धन्यवाद, क्या नाम है? सीतामढ़ी से चेतन चितरंजन प्रसाद यादव ने एक कुंटल गेहूं का संकल्प लिया है और जब गेहूं कटेगा तब गाड़ी दी जाएगी। धन्यवाद, ये गोनो धाम के प्रथम दानी खड़े हुए हैं गेहूं दान के, वहां नाम लिखा देना कार्यालय में। और सभी लोग, इधर भी कार्यालय है उधर भी कार्यालय है, ये कुंभ मेला के भंडारे का, और बिहार से और झारखंड से केवल और केवल गेहूं, दूसरा कुछ मत दो, दूसरा दूसरे प्रदेश से मिलेगा बस। और आना है अपने कैंप में रहना है, इधर उधर गठरी लेकर मत घूमते रहना, ढूंढो कहाँ है असंग जी महाराज, तुम्हारा कैंप होगा, तुम्हारा वो घर होगा, तुम वहां ठाट से रहो, और एक दिन रहो या 10 दिन रहो या 17 दिन रहो, मेला दर्शन करो दिन में, और जब इच्छा हो नहा करके स्नान करके गंगा नहा कर फिर आ करके अपने कैंप में 24 घंटे में कभी आओ जाओ, और वहां सो। ना आईडी दिखाने की जरूरत है, ना वहां कोई परिचय देने की जरूरत है, बस इतना बताने की जरूरत है कि हम गुरु जी के आए हैं, बस तुम आ जाओ। बोलो, एक कुंटल गेहूं क्या नाम? लाल बिहारी यादव गांव हैं, खुटहा, खुटहा से गेहूं मिला एक कुंटल, बैठो, क्या नाम? हमारे गणेश जी माइक लेकर वहां पहुंचा दिया करें। सुखदेव हैं, सुलेख कुमार यादव।